हिमालय की गोद में बसी हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी और यहां रहने वाली पांगवाल जनजाति, इनकी दंत कथाओं में यहां का इतिहास और रहस्यों में इनके जीवन की सच्चाई छिपी है। ऊंचे ऊंचे अनगढ़ बर्फीले पहाड़ों से घिरी पांगी घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य जितना मनोरम और लुभावना है, उतना ही दुर्गम और कठोर भी है। 1994 तक तो यहां से आना जाना भी मुश्किल था। लोग दुर्गम पहाड़ों को पैदल पार कर जिला मुख्यालय चंबा या अन्यत्र कहीं जाते थे। भारी हिमपात के कारण अभी भी पांगी अनुमंडल साल में 6 महीने बाकी दुनिया से कट सा जाता है। प्रकृति की ऐसी विषम परिस्थितियों और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच पांग वालों के लिए जीवन जीना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। यहाँ से हम त्रेले के लिए आने जाने में 8 दिन 10 दिन लगते थे। हमारे नमक पीठ पे उठा के लाना, राशन पीठ पर उठा के लानी, साल के लिए खर्चा हम पीठ पर ले आते थे, साबुन तेल वगैरह सब कुछ। 4-4 किलो 8-8 किलो एक पेड़ पर बेडू पे डाल करके हम त्रेले से राशन लाते थे। तो उन दिनों हमारा यहाँ का खान पान और रहन सहन का बहुत ही टफ था। अब पांगी घाटी की स्थितियां बदल चुकी हैं। सीमा सड़क संगठन की इकाई ग्रीड चट्टानों को चीर कर रास्ता बना रही है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांवों को जोड़ा जा रहा है। पांगी के दूरस्थ गांव सुराल घाटी तक जीप का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी घटना है। अगर हम बात करें 1980 की, तो उस समय यहाँ पर जीपेबल मोटरेबल रोड्स नहीं थे और आज 2002 में यहाँ 88 किलोमीटर मोटरेबल लेंथ का रोड है हमारा और करीबन 80 किलोमीटर के जीपेबल रोड्स हैं जो कि आर्टीरियल रोड्स हैं, वैलीज़ के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उनको लिंक करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे यहाँ के लिए। चंद्रभागा नदी के किनारे 1601 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले पांगी के पांगवालों का इतिहास अभी भी रहस्यों में छिपा हुआ है। दंत कथाओं के मुताबिक चंबा का राजा जिन अपराधियों को मृत्युदंड जैसी कठोर सजा देता था, उन्हें इस दुर्गम घाटी में भेज दिया जाता था और बाद में उन्हीं से ये जगह आबाद हुई। एक मान्यता ये भी है कि लाहौल और निचले चेनाब के लोग कभी खेती की जमीन तलाशते हुए पांगी घाटी में आकर बस गए थे। कुछ लोगों की ये भी धारणा है कि मुगलों के आक्रमण के समय राजपूत योद्धाओं ने सुरक्षा के ख्याल से महिलाओं और बच्चों को कुछ सैनिकों तथा सेवकों के साथ इस दुर्गम घाटी में भेज दिया था। दुर्भाग्य से वे योद्धा मारे गए या घायल हो गए, इस कारण अपने परिवारों से वे फिर नहीं मिल पाए। बाद में इन्हीं के बीच शादी विवाह हुआ और यहां गांव बसाए गए। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक पांगवालों की आबादी लगभग 17,000 है। पांगवालों की उत्पत्ति का इतिहास चाहे जो हो, आज उनकी पहचान विशेष पांगवाली टोपी तथा महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली जूजी है। लोगों की आकृति आर्य जैसी है तथा वे हिंदू धर्म मानते हैं और मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। राजपूत, ब्राह्मण, लोहार, चानाल और हाली यहाँ की प्रमुख जातियां हैं।
जो सभी पांगवाल कहलाते हैं और उनकी भाषा भी एक है, पांगवाली। थोड़ी आबादी मंगोलियन नए नक्श की भी है, जिन्हें भोट कहा जाता है, और ये घाटी की ऊंचाई पर भटोरियों में रहते हैं। भोट मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म मानते हैं। हर भटोरी में इनका अलग मंदिर है, जिसे गुंपा कहा जाता है। ये जो भटोरी जो है, ये सुराल भटोरी कह रहा है। इससे इससे पहले जाएगा तो उंडान भटोरी होगा, उससे साथ से ऊपर जाएगा परमार भटोरी होगा, उससे आगे जाएगा तो सचू नाड़े में वहाँ आएगा चस्क भटोरी, उससे यल्टवान आएगा। ये पांच भटोरी जो है अलग अलग में है। ये हमारा शादी जो है, जो अपना बुद्धिस्ट में ये भटोरी बारू यही करेगा, इसमें जहाँ ये उंडान भटोरी और सुराल भटोरी में ये शादी कर सकते हैं। ये नीचे वाला जो है नीचे से नहीं कर सकते। जाति और धर्म चाहे जो भी हो, यहाँ की दुर्गम तथा विषम भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संविधान के तहत 1975 में चंबा जिले के पांगी अनुमंडल को जनजातीय क्षेत्र तथा यहाँ के निवासियों को जनजाति घोषित किया गया है। लंबे समय तक उपेक्षित रहने के बाद अब पांगी घाटी का चेहरा तेजी से बदल रहा है। जनजातीय उपयोजना के तहत राज्य सरकार यहां के लिए अलग बजट का प्रावधान करती है। विकास कार्यों को गति देने के लिए यहां की प्रशासनिक व्यवस्था भी विशेष है। यहां रेजिडेंट कमिश्नर का पद है, जिसे सभी तरह के निर्णय लेने का अधिकार है। केंद्र सरकार द्वारा संपोषित समेकित जनजातीय विकास परियोजना के जरिए पांगी घाटी में मौलिक और ढांचागत विकास पर बल दिया जा रहा है। यातायात यहां की प्रमुख समस्या थी। अब द्वीप निर्मित सड़क मार्ग से पांगी घाटी, लाहौल तथा जम्मू के रास्ते चंबा से भी जुड़ चुकी है। चंद्रभागा नदी पर रोपवे और पैदल पुलों के साथ साथ अब कई बड़े पुल भी बन गए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं यहाँ पर, उनको तोड़ने के लिए है। जैसे हमारी यहाँ पर पन विद्युत परियोजनाओं के लिए काफ़ी पोटेंशियल है। जब कैलकुलेट कराया तो 1.2 मेगावाट यहाँ पर बिजली की जो है ज़रूरत है, परंतु अभी तक जो हमारी जनरेशन है वो मात्र 500-600 किलोवाट के करीब है। तो एक 900 किलोवाट का प्रोजेक्ट जो है हम साजघराट में बनाने के लिए प्रस्तावित है, और 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट सुराल में और पुर्थी में ये लगाया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर भारत सरकार से जलागम परियोजना के अंदर यहाँ पर प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं, और इसके अंदर हमने 7 माइक्रो वाटरशेड एरिया जो है उनको चुना है, और इसके अंदर जो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के विकास के लिए, वो यहाँ पर चलाए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर 2 सड़कें हैं जिनको वाहन योग्य किया जा रहा है, जिनकी मेटलिंग टारिंग का जो कार्य है ये प्रगति पर है। तो जैसा मैंने बताया, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा थ्रस्ट है। पांगी घाटी में जब विकास के नए नए आयाम खुल रहे हैं, तो पांग वालों में भी जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। बच्चे का जन्म कभी यहां दर्दनाक घटना होती थी, अब सुविधाएं पहुंची तो लोग परंपराओं को भी त्यागने लगे हैं। उतना साफ सफाई नहीं होता था, बाकी घर में ही डिलीवरी होती थी। कोई दाई दुई प्रशिक्षित दाई नहीं करते थे, पर अपने गाँव से ही करते थे। तो गौ का गोबर नहीं होता था, उसका लेप लगा कर उस पर रखते थे। उस पर घास, देसी घास होता था, उसको उसके ऊपर कपड़ा रखना, फिर उसके ऊपर जिनानी को रखते थे। बच्चे को भी वहीं और माँ को भी वहीं रखेंगे। फिर तेल तूल गर्म करके मालिश वगैरह करेंगे, नहलाएंगे,
माँ को भी उसी टाइम, बच्चे को भी उसी टाइम नहलाते थे, मालिश करते थे। आजकल पहले से काफ़ी सुधार हो गया है। हॉस्पिटल नहीं थे हमारे बाप दादे से, अपने कोई गांव वाले कोई लेडीज को ले जाते थे या कोई घर में वही लेडीज वही करती थी, उसके केस को सब वही बनाते थे। कोई दाई को नहीं लेते थे, नर्स को नहीं लेते थे, डॉक्टर को नहीं लेते थे। आजकल पैदा होने वाले नहीं कलाल भेज देते, या कोई नीचे भेज देते, या कोई डॉक्टर को बुलाना, या कोई नर्स को बुलाना, या दाई को बुलाना। तो पहले कहाँ थे, कोई था नहीं था। बच्चा पैदा हुआ ना जी, उसके बाद फिर 12 दिन रखते ना, फिर साफ सुथरा करना, कपड़े कुपड़े सफाई सफाई करने, मकान के करने, अपने करने, कपड़े को करने सब। फिर धाम मनाते जी 12 दिन बाद, तो फिर रिश्तेदार दूर आते, सब गांव वाले आते, सब लड़की लड़की आती, उनको रोटी खवानी। कहीं 5 दिन बाद, 5 महीने बाद या 7 महीने बाद फिर मंदिर ले जाते जी बच्चे को। पांग वालों के जीवन में मंदिरों और स्थानीय देवी देवताओं का बड़ा ही अहम महत्व है। यहाँ के हर मंदिर और देवता के साथ एक अलग और चमत्कारिक दंत कथा भी प्रचलित है और लोगों की इसमें आस्था भी है। शायद यही आस्था इन्हें इस दुर्गम क्षेत्र में मुश्किलों भरी जिंदगी जीने के लिए शक्ति प्रदान करती है। वैसे तो पांगी के प्रत्येक गांव का अपना अपना मंदिर है, लेकिन मिंधल गांव में मिंधल माता मंदिर और पुर्थी के दुर्गा माता मंदिर का पूरे इलाके में विशेष महत्व है। इन मंदिरों में लगने वाले मेलों में लोग दूर दूर से आते हैं। लकड़ी से बने इन मंदिरों में पांग वालों की काष्ठ कलाकृति की झलक मिलती है। इनमें विभिन्न देवी देवताओं की आकृति के साथ साथ जानवरों की आकृति भी उकेरी गई है। मंदिरों में लाल कपड़े के साथ घंटिया चढ़ाने का रिवाज है। कुछ लोग भेड़ों और बकरों की बलि भी चढ़ाते हैं। देवी का जो भी त्योहार है पब्लिक की करती है। ये सर्दियों में हमारा इस देवी का मंदिर पूजा होती है, ये हमारा लेंटर है ऊपर। इस पर सर्दियों में 4.5 गांव वाले इकट्ठे होकर यहाँ आते हैं। पांगी में प्रजा व्यवस्था का काफी महत्व है। प्रजा व्यवस्था पांग वालों की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है। प्रत्येक घर का मुखिया इसका प्रतिनिधि होता है। इसमें गांव परिवार की सामूहिक समस्याओं, विवाह, संबंध विच्छेद से लेकर मंदिरों और मेलों के बारे में विचार विमर्श होता है। पहले प्रजा बैठकों में सिर्फ पुरुष ही शामिल होते थे, अब स्थितियां बदल चुकी है। प्रजा बैठकों में पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं। इन बैठकों में अब गांव के विकास और वन संरक्षण के मुद्दे भी जुड़ रहे हैं। सुराल दाई की इस प्रजा बैठक में भोजपत्र के वनों को बचाने की चर्चा हो रही है। जहां मर्जियों से पकड़ कर लड़की को ले आते थे ससुराल बाड़े, बना देते थे घरबाड़ी को। हमारे पांगी का रिवाज तो ऐसा था पहला, आजकल तब फिर जो लड़की का पसंद हो वही करते। पहले लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझते थे, आजकल लड़कियों को लड़कों के बराबर समझा जाता है और बराबर ही पढ़ाया जाता है। पहले लड़कियों की स्थिति बहुत खराब थी, आजकल लड़कियां लड़कों के बराबर ही है। पांगी घाटी में ये नज़ारा बदले हुए माहौल का है। हमारे यहाँ सिर्फ 3 प्राइमरी स्कूल थे और आज 62 प्राइमरी स्कूल हैं 16 पंचायत के लिए। हर 60 फैमिलीज के लिए यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है और अभी हमारे यहाँ पर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी स्थापित हो चुके हैं। सन 2000 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें यहाँ के गांव के एक इंस्पेक्टर थे, उनके नाम वो शहीद हुए कारगिल युद्ध में, तो उनके नाम के ऊपर जो सरकार ने इसका नाम जो है राजकीय उच्च पाठशाला पुर्थी से शहीद दीनानाथ ठाकुर उच्च पाठशाला पुर्थी की। शहीद दीनानाथ ठाकुर की माँ इसी गांव में रहती है। पहले
समय थी ना घर बाहर उसको, फिर खुदर की जमीन, दूसरी लड़की जमीन, फिर घर में आया। ये अपने शहीद बेटे की याद में खोई रहती हैं और हर मिलने वाले को उसके बारे में बताती है। नीति में मिले चल नीति हूँ, देखा ना ठंडे, देखा सिर्फ ना करा बाहर की। पहले पांगी घाटी के पांग वालों में वृद्धों की स्थिति बहुत दयनीय थी। जब वे काम करने लायक नहीं रहते तो उन्हें अधवारी में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। इस मामले में साच गांव का एक किस्सा मशहूर है। लड़के का घरवाड़ी बोलती है, उस बुड्ढे का नूह बोलती जी, इस बुड्ढे को तू कहीं पहुंचा ले, कूट में पहुंचा ले, किल्टू में डाल करके, कि ये बुड्ढा तो यहाँ बेकार है। लड़के ने अपने बाप को किल्टे में डाला, किल्टे में डाल करके वो अपने बाप को कूट में ले गया। उस लड़के का लड़का साथ गया, छोटा लड़का, किल्टू उसने वहां उल्टा दिया, किल्टू सेड में डाल दिया, बुड्ढे को सेड में डाल दिया, कूट में डाल दिया। तो उस लड़के ने बोला, बोलता पिताजी ये किल्टू क्यों छोड़ा तेने यहाँ, बोलता कल को मैंने तेरी को किस में लेना, ये तो तू घर ले चल किल्टू। दूसरी ओर पांग वालों में मृत पितरों के नाम उनकी याद में धज्जी गाड़ने का भी रिवाज रहा। ये काफी खर्चीला रिवाज था, इसलिए ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई। इसको हम धज्जी बोलते हैं, जिसके पास में काफी मात्रा में घी और अनाज हो तो वही पूरी प्रजा को बुला के जी इसको गाड़ता था, ताकि उस पीछे के लिए वो छाप छोड़ देता था कि हमने धज्जी गाड़ी हुई है। पांग वालों में घी और मक्खन का उपयोग हर विशेष अवसर पर किया जाता है। शायद इसी कारण पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से याक और गाय के मेल से पैदा हुए चूरा और चूरी होते हैं। चूरा जोतने के काम आता है तथा चूरी का दूध निकाला जाता है। अन्य पहाड़ी इलाकों की तरह भेड़ और बकरी भी यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। पहले दुर्गम रास्तों से सामान लाने ले जाने के काम में भेड़ों का भी उपयोग होता था, अब ये काम सिर्फ खच्चरों से लिया जाता है। पांगवाल गांवों में पशुओं की चराई तथा इन्हें रखने की जगह सामूहिक होती है, गर्मियों में पहाड़ों के ऊपर और ठंड में नीचे। पशुओं को रखने के स्थान को अधवारी कहा जाता है। यहाँ के सर्द और बर्फीले मौसम में भेड़ बकरों का ऊन उपयोग में आता है, मांस के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पांग वालों की मुख्य आजीविका खेती है। 6 महीने बर्फ की चादर से ढके रहने के बाद गर्मियों में यहाँ खेती का मौसम शुरू होता है। दूसरे पहाड़ी इलाकों की तरह पांगी घाटी में भी समतल जमीन कम है। लोग ढलानों में छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत बनाकर पैदावार करते हैं। पारंपरिक रूप से यहाँ गेहूं, जौ, कुट व कुछ स्थानीय प्रकार के अनाजों की खेती होती है। मक्का भी यहाँ की एक मुख्य पैदावार रही, लेकिन अब यहाँ की कृषि में भी बदलाव आ रहा है। अब हमारे खेती का सिस्टम भी बहुत ही चेंज हो गया, क्योंकि खाद नाम तो हमारे पांगी में कोई एक चीज नहीं थी कि जिसको ये पांगी में भी खाद डाल सकते। खाद कौन था हमारा, माल पशुओं का जो गोबर होता था उसको ही यूज करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि के मामले में लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन खेती के तौर तरीके और पैदावार पारंपरिक ही है। हमारे यहाँ चावल की जगह हमने उसको चिड़िया भी बोलते हैं तो उसको बोलते थे, पर उसको हम अपने यहाँ ही चावल हमारे पास नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता था। जिसका पास ठीक पैसा था वो चावल वो भी उस दिन बुलाते थे। एक हमारा त्यौहार है जिस त्यौहार को हम सिल बोलते हैं जी, तो उस दिन वो चावल जिसने किसी ने 2 किलो लाए हो तो चावल खाने को मिलता था। फिर आलू का था हमारा, जौ का था और भंगड़ी का था, तो उसमें जैसे और ऐसी चीज़ें थी जिसका हम वो करते थे। अब हमारे खेती का सिस्टम भी बहुत ही चेंज हो गया। लेकिन कुछ लोग अब यहाँ साग सब्जियों की खेती में दिलचस्पी लेने लगे हैं। कई गांवों में बेमौसम नकदी सब्जियां भी उगाई जाने लगी हैं। मुख्यालय किलाड़ में वे बिक भी जाती हैं।
जो सब्जी के बारे ये है जी, हमारे पास 3 बीघे जमीन है, इसमें हो जाती कोई 60,000 का वो हो जाते सेल साल का। विगत कुछ वर्षों से समेकित जनजातीय विकास परियोजना के तहत यहाँ राज्य उद्यान विभाग द्वारा सेब के बगीचे विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके प्रारंभिक परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ का सेब काफी ठोस एवं रसदार होता है। यदि ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाए तो आने वाले वर्षों में सेब के बगीचों से बागी घाटी का काया पलट हो सकता है। यहाँ की विशेष जलवायु में पनपने वाले औषधीय पौधों के संरक्षण की भी पहल हो रही है। पहाड़ में तो दवाई बहुत कुछ है, इस बटोरी में ये उपरुदार में काफ़ी दवाई है। अभी इतना पहचान या थोड़ा थोड़ा तो पहचानता है, वो थोड़े थोड़े निकाल भी लेते हैं। उतना बड़ा बड़ा अब इस साल से बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने अर्बन गार्डन के ये प्रोजेक्ट ये खुला है, धूप कोड़ पतीश पंजा जैसे जैसे दवाई बड़ा बड़ा दवाई है, यहाँ कोट वगैरह सब कुछ होता है। बहरहाल सर्दियां शुरू होने के पहले लोग खेत खलिहान का काम समाप्त कर लेने में जुटे हैं। अनाजों की साफ सफाई का काम जोरों पर है ताकि सर्दियों में कोई परेशानी ना हो। पशुओं के चारे का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। फूल जातर उत्सव से पहले यहाँ का ये आम माहौल है। सर्दियों में होता है आम 6 महीने बर्फ के बीच दबे, तो गर्मियों में हमारा लिए होता है ये 6-5 महीने सीजन होता है, तो तब हम फसल भी रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। फिलहाल हमारे वहाँ काम सारे काम ख़त्म होने के बाद होता है, ये अक्टूबर में अक्टूबर 14 को होता है, और इसमें 9 प्राजा आती थी और इसमें नाचते थे गाते थे इकट्ठा खाना खाते थे। फूल जातर पांग वालों का प्रमुख त्योहार है। लोग नाच गाकर खुशियां मनाते हैं कि फिर मिले न मिले। बर्फ गिरने के पहले इस जनजातीय क्षेत्र में खाद्यान्न का भंडारण कर लिया जाता है। यहाँ से सस्ती दरों पर लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। अक्टूबर के मध्य तक पांगी घाटी में बर्फ गिरना शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक यहां आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। जिंदगी थम सी जाती है। 5-6 महीने दुर्गम क्षेत्र है, यहां पर चारों तरफ से सड़कें बंद हो जाती हैं, बाहर आने जाने का कोई साधन नहीं रहता सिवाय हेलीकॉप्टर के सर्दियों में। पांगी के कई गाँवों में हेलीपैड बने हुए हैं और लोगों को आपात स्थिति में सब्सिडी दर पर हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराई जाती है। जलवायु के अनुकूल पांग वालों के घर प्रायः 2 तलों के होते हैं। इन दिनों लोग घर के निचले भाग में रहते हैं। यहीं एक और पशुओं को भी रखा जाता है। जीवन की सारी गतिविधियां चूल्हे के आसपास सिमट जाती हैं। परिवार के सभी लोग यहीं रहते हैं। इसी समय साल भर के लिए शराब आदि बनाकर रखी जाती है।
अप्रैल मई तक बर्फ पिघलने के बाद बागी घाटी में फिर से जैसे जीवन लौट आता है। मुश्किलों के बाद एक नया जीवन। लोग घरों से निकलकर सगे संबंधियों और एक दूसरे गांव के लोगों से मिलने जाते हैं। गांव गांव में त्योहार का माहौल बन जाता है। दुख सुख, शिकवा शिकायत का आदान प्रदान और फिर मौज मस्ती का आलम। पांगवाल जनजाति का ये जीवन चक्र चलता रहता है। घाटी के पांगवालों का जीवन जो कभी अमावस की रातों की तरह हुआ करता था, विकास की रोशनी से अब आगे बढ़ने लगा है। रास्ते खुल रहे हैं तो जीवन में खुशियों के फूल भी खिलने लगे हैं।